गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोलराज लॉ के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक टर्म के बारे में बताऊंगी, दैट इज आयनिक मोबिलिटी, जिसे यू से भी दिखाते हैं। ठीक है, यू प्लस मतलब मोबिलिटी ऑफ कैटायन, यू माइनस मतलब मोबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो देखो आयनिक मोबिलिटी का मतलब ये है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ आयन। ठीक है, जैसे मान लो आप ये मानो कि ये दो सॉल्ट है, एक है HCl और एक है KCl। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से किसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है, मोलर कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो किसकी ज्यादा होगी, HCl। क्यों? क्योंकि Cl तो सेम ही है, दोनों में Cl माइनस है, लेकिन आप ये देखो कैटायन जो है वो H छोटा है और K क्या है, बड़ा कैटायन। तो स्मॉलर कैटायन कैन माइग्रेट फास्टर, जल्दी जल्दी मूव कर सकता है, इसलिए मोलर कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, H प्लस की। क्यों? क्योंकि H प्लस की स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड वर्ड ना यूज करके आप ये कहोगे कि H प्लस की मोबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, देखो स्पीड और मोबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीड क्या होता है, स्पीड तो होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस आयन ने अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन आयन पर सेकेंड, या पर सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो होता है स्पीड। तो सिर्फ स्पीड नहीं देखते अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्ट इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, उसको भी कंसीडर करते हैं। तो मोबिलिटी जो टर्म है, स्पीड की बजाय मोबिलिटी टर्म यूज करते हैं उसके मूवमेंट के लिए। मोबिलिटी होती क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, बाय एन आयन पर सेकेंड। मोबिलिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन आयन by an ion per second under a potential gradient of 1 volt per meter. Potential gradient क्या होता है, देखो potential gradient होता है वो होता है distance, potential between the electrodes, पोटेंशियल जितना भी आपने वोल्ट में लगा रखा है, पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन। तो जब आप स्पीड भी कंसीडर कर रहे हो प्लस अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू भी कंसीडर कर रहे हो, तब जो आयन का मूवमेंट होता है उसे मोबिलिटी कहा जाता है, स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन आयन पर सेकेंड, पर सेकेंड में वो आयन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका मतलब स्पीड ही हो गया। अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब जब पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, तो पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड तो 1 वोल्ट हो और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड क्या हो, 1 मीटर, उस टाइम पे पर सेकेंड में वो आयन कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या हो गई, देखो मोबिलिटी हो गई डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन आयन पर सेकेंड, इसका मतलब स्पीड हो गया, स्पीड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, आप देख सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी जिसे अपन यू से दिखा रहे हैं, वो होता क्या है, स्पीड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो, 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट, और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड 8 मीटर। तो मेन बात ये है कि मोबिलिटी टर्म जो है वो यूज की जाती है आयन के जो माइग्रेशन होता है, जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें आयन का जो भी माइग्रेशन होता है उसके लिए मोबिलिटी टर्म यूज की जाती है, क्योंकि मोबिलिटी टर्म में पोटेंशियल ग्रेडियंट और स्पीड दोनों चीजें आ जाती है। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे H+ की मोबिलिटी ज्यादा है
इसीलिए h प्लस की मोबिलिटी ज्यादा होने के कारण मोर, इसलिए उसकी क्या है, मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा, मोलर कंडक्टेंस भी मोर, ठीक है, ये है बात। H प्लस मोबिलिटी मोर, इसीलिए उसकी मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं दो और सॉल्ट, दैट इज लिथियम, मान लो लिथियम क्लोराइड और NaCl, इनकी मोलर कंडक्टेंस जो है, उसकी वैल्यू कम आती है। बल्कि अगर हम ये देखें कि लिथियम और सोडियम जो कि स्मॉल ही है, छोटे ही हैं और जिनके ऊपर चार्ज भी है, क्योंकि स्मॉल आयन पे हाई चार्ज डेंसिटी रहती है, वो आराम से फैल सकता है उस चार्ज के ऊपर, तो स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है, फिर भी ये आयन जब होते हैं तो मोलर कंडक्टेंस कम होती है। रीजन क्या है मोलर कंडक्टेंस कम होने का, कि ये जो आयन्स हैं, जैसे मान लो NaCl, तो NaCl को अगर इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे तो एक्वस सॉल्यूशन में, तो घोलोगे पानी में, तो पानी में जान लो आपने इसमें घोला, तो होता क्या है, ये हाइड्रेटेड हो जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसको हर तरह से इसको घेर लेते हैं, ये कह सकते हो आप, इस आयन को वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, समझ आ रही बात, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन हो जाता है आयन, और हाइड्रेशन होने के कारण एक छोटे आयन की साइज बहुत बड़ी हो जाती है और उसकी मोलर कंडक्टेंस कम हो जाती है इन दोनों केसेस में। तो बात अब ये है कि अगर इन दोनों केसेस में ये होता है तो फिर HCl के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि H प्लस तो इनसे भी छोटा आयन है, किससे, LiOH से। और ये क्वेश्चन आता भी है कि आयनिक मोबिलिटी H प्लस की क्यों ज्यादा होती है, तो देखो वही मैं आपको बता रही हूँ कि एक H प्लस आयन की आयनिक मोबिलिटी क्यों ज्यादा होती है। सबसे पहले जब भी वाटर में, वाटर जो है वो आपको पता है वाटर H3O प्लस की फॉर्म में होता है, जिसे आप ऐसे समझ सकते इस फॉर्म में होता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इस फॉर्म में होता है वाटर। अब वाटर जब इस फॉर्म में होता है तो वाटर के और मॉलिक्यूल्स इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं, और जो वाटर होता है वो होता है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 H9O4 प्लस, जिसका मतलब क्या हो गया, H3O+.3H, मतलब ट्राई हाइड्रेटेड हाइड्रोनियम आयन। एक वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर जो है उसमें इस तरह की बॉन्डिंग होती है, इस ये जो ये H9O4 प्लस है, इसका मतलब है कि एक हाइड्रोनियम आयन जो है उससे तीन वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से बॉन्डेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रहते हैं, या हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यही H प्लस की आयनिक मोबिलिटी को बढ़ाती है। देखो कैसे, ये जो H प्लस की आयनिक मोबिलिटी होती है, आप ये कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बढ़ती है, और जो मैकेनिज्म होता है उसे बोलते हैं ग्रोथस, GROTHUS, ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म, ठीक है। देखो कैसे होता है, इसमें होता क्या है कि एक H3O प्लस से H प्लस आयन माइग्रेट करता है कहाँ, H2O के पास, ये जाता है, यहाँ पे जो H प्लस जुड़ा हुआ है वो H प्लस, ये वाला H प्लस यहाँ जाता है, ठीक है। आप ये कह सकते हो इस तरीके से कि ये जो H प्लस है ये दूसरे H2O के पास जाता है, किस तरीके से, देखो मान लो ये अपन सबसे पहले H3O प्लस बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गया H3O प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ये H2O प्लस बन गया, यहाँ से मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक ये जोड़ देती हूँ, ठीक है, और ये इसके साथ दूसरा यहाँ पे H, ठीक है। अब ये से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे जो H है इसके बाद में ये वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेगा,
ये इस तरीके से एच और ये इसकी खुद की बॉन्ड देंगे। ओके यहाँ पे रह जाएगा इसका H और एक H यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो H है ये वापस इस तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये H इधर रह गया, ये H इधर, ठीक है। और ये फिर वापस इससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेगा अगले इस तरीके से, ठीक है। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे से वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े। अब H+ का माइग्रेशन फास्ट कैसे होता है, H+ है H3O+, तो इसमें से ये जो H+ है ये एटम जाएगा इधर इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये तो इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा और इसका जो ये अगला एटम है ये जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड बना देगा, फिर ये यहाँ जाएगा इस तरीके से आगे से, ये जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड था अब इसके साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो हाइड्रोजन ये यहाँ पे आ जाएगा, तो अब जो है ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके पास जाएगा, ठीक है, जो कि इससे हाइड्रोजन बॉन्डेड था अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके पास जाएगा। तो आप ये देखो इस तरह से हाइड्रोजन एटम यहाँ से चालू हुआ और इस H2O के पास ट्रांसफर हो गया और ये H2O अब क्या बन गया, H3O+। तो इस तरीके से ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म में जब H+ इन ये जो O H O बॉन्ड जो कि एक लाइन में आ जाती है इनमें ट्रांसफर होके बहुत जल्दी उसका माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से H+ एटम जो है वो ये जो एक लाइन में बॉन्ड हो जाती है O H O H, तो इनमें उसका माइग्रेशन जो है वो फास्टर होता है और इसीलिए जो HCl या जिनमें भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है उसकी साइज कम होती है, बट वहाँ पे जो उसका हाइड्रेशन हो रहा है वो एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करता है माइग्रेशन का जो उसके फास्टर मूवमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए H+ का माइग्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है और आयन के कंपेरिजन में जो कि छोटे हैं, पर उनका जब हाइड्रेशन होता है तो ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट नहीं होता, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इस तरह का मैकेनिज्म क्रिएट नहीं करते। ओके okay?